मसूरी के श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मानसिक रूप से कमजोर बच्चों का परीक्षण किया और उन्हें दवा वितरित की गई। साथ ही नाक कान गला आदि का भी परीक्षण किया गया। फिजियोथेरेपी के द्वारा भी इलाज किया गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए मसूरी से अजीत कुमार सिंह के साथ। आप लोगों ने मैं तो बेसिकली यूरोलॉजिस्ट हूँ। यूरोलॉजिस्ट मतलब जो किडनी पेशाब का रास्ते का इलाज करता है, ठीक है। मेरी जो वाइफ है वो डॉक्टर रिक्ता है, वो नाक कान गले के डॉक्टर हैं। ये कैंप बेसिकली नाक कान गले के मरीजों के लिए किया गया था, जिसमें 100 से ज़्यादा आसपास मरीज थे जो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मोटा मोटा। और उसमें कान के जैसे पर्दे में छेद होता है, कान से पानी बह रहा है, नाक से जिनका खून निकलता है, वो सब मरीज का इलाज कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सब। यही बात हुई थी शुरुआत में कि क्योंकि यहाँ पे सब गरीब मरीज हैं, तो उन लोगों को ये कहा गया अगर वहाँ पे नीचे आते हैं इलाज कराने के लिए तो 50-60% के आसपास तक इनको डिस्काउंट दिया जाएगा इलाज में। तो ये तो उनसे मतलब ये यहाँ पे इसी बात पे ही कैंप स्टार्ट किया गया था, जिससे मरीजों को भला हो सके जो गरीब लोग हैं यहाँ पे, गरीब मरीज। डेफिनेटली सरकार को इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए और हम लोग तो कोशिश करते हैं, इसीलिए हम लोग ये सोचिए मतलब 30-40 किलोमीटर दूर आए हैं, इसलिए आए हैं कि थोड़ा अवेयरनेस दे सके, लोगों को बता सके कि इस समय तकलीफ क्या है और क्या होना चाहिए। बाकी तो मरीज खुद सोचेगा उसके लिए क्या बेहतर है और जितना मदद हो सकती है वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। शिविर का आयोजन किया है, क्या लगता है कितनी सहभागिता रही है? देखिए पत्रकारों का लेखनी के साथ साथ एक और काम भी नई समझे पत्रकार इन्होंने शुरू किया है कि लोगों की हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, और उसी कड़ी में हम मेडिकल कैंप होता है या रक्तदान शिविर होता है, इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कराते हैं और ये भी जन सहभागिता से होता है। और इसमें सभी पत्रकार के साथ साथ समाज से जुड़े हुए लोग, चाहे वो व्यापार संघ के हों, चाहे वो ट्रेडर्स यूनियन के हों, चाहे वो और समाज के लोग जुड़े हों, सरकारी कर्मचारी हों, ये सब लोग जुड़कर पत्रकारों के साथ ऐसे कार्यक्रम में सहभागिता बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। सर आज की डेट में नहीं रहे तो लगता है कि जो तरीके से हमारा जो ये होता है वो ये बात आगे तक पहुँचाए? देखिए बड़ी आस्पद सी बात है कि देश में चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को माना गया है, लेकिन चौथे स्तंभ की स्थिति क्या है ये हम सब लोगों से कोई छुपा नहीं है। आप भी पत्रकार, हम भी पत्रकार, हम सब जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है। जब जब पत्रकारों की बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगेगा तब तक देश चाहे भले ही कितने आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए पीछे होता है, क्योंकि जब तक आपको दम अपनी कमी सुनने का नहीं है तब तक आप अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं ला सकते। तो हमेशा चौथे स्तंभ को इसलिए आगे रखा गया कि कम से कम सरकार की या जो भी विभाग होता है उसकी कमियां सरकार तक या शासन तक पहुंचे और उस पर अमल किया जाए, उसे ठीक किया जाए, यही पत्रकारिता का धर्म है और ये पत्रकार निभाते हैं। लेकिन जिस तरीके का दबाव आज पत्रकारों पर पड़ा हुआ है कि ये खबर चलेगी ये खबर नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं हमारे मन में भी टीस होती है कि हम इतनी मेहनत से इस खबर को लेकर के आते हैं और हमारा जो चैनल या हमारा जो अखबार है या हमारे जो पोर्टल के मालिक हैं वो समाचार को किल कर देते हैं, बोले नहीं ये समाचार नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो नई पीढ़ी के लोग चौथे स्तंभ के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, पत्रकारिता में जुड़ना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये संदेश है कि भाई खबरों को उस हिसाब से अब परोसा जाए जिस हिसाब से मालिकान लोग चाहते हैं। देखिए ये तो बड़ा फंसाने वाला सवाल आपने मुझे पूछ लिया है। पत्रकारिता उस समय पत्रकारिता होती थी, इस समय पत्रकारिता हो रही है। भाई यही शब्दों का खेर है कि उस समय पत्रकारिता होती थी, कलम जो लिख देती थी, बड़े बड़े सरकारें, बड़े बड़े लोग बदल जाते थे, सरकारें बदल जाती थी। आज आप कलम से कुछ भी लिख लें लेकिन उसका कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। तो मैंने वही कहा पत्रकारिता हो रही थी और पत्रकारा है थी, उस समय पत्रकारिता थी, वाकई में पत्रकार पत्रकार था, समाज में पत्रकारों को सम्मान मिलता था। आज पत्रकारों की एक झड़ी भी आ गई है, बहुत सारे ऐसे लोग भी समाज पर पत्रकार बन करके आ गए हैं जिनका ना पत्रकार से लेना ना देना, कहीं ना कहीं वो भी पत्रकारिता को पिछड़ने में अपना योगदान देते हैं, इसे भी हम सब लोगों को समझना होगा। बिल्कुल, आज श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के द्वारा एक स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया, लगाया गया है, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ जो शहर के विभिन्न स्थानों से लोग आए हैं और साथ ही हमारे साथ में यहाँ देहरादून से विशेषज्ञ चिकित्सक आए हैं, उन्होंने अपनी सेवाएं हमें दी हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी यहां पर जो बच्चे हैं, खास करके बच्चों के लिए जो मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं
जो मनोचिकित्सक थे उनके द्वारा उनका इलाज किया गया है, उनको दवाइयाँ वितरित की गई हैं। तो अब तक लगभग 150 से अधिक लोगों का आज यहाँ पर परीक्षण किया गया है, उन्हें दवाएँ भी दी गई हैं और साथ ही जो जिनको जो अधिक बीमारी है उनको देहरादून अगर वो जाते हैं तो उनको वहाँ 60% की छूट दी जाएगी। जो हमारे साथ जो डॉक्टर आए हैं उनसे हमारी वार्ता हुई, उन्होंने कहा 60% की छूट दी जाएगी और भविष्य में भी श्रमजीवी पत्रकार यूनियन लगातार ऐसे समाज सेवा के कार्य करती रहेगी। जो काम हमारे नेताओं को करना चाहिए, जो काम हमारे समाज सेवियों को करना चाहिए, आज वो काम पत्रकार कर रहे हैं। तो ये पत्रकार एक समाज का आईना भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने निजी संसाधनों से ये सारे काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे सबक लेकर हमारे जो नेता हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे समाज सेवी हैं, वो भी इस प्रकार का काम करेंगे ताकि भविष्य में जो हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं उनको ऐसी सुविधाएं मिल सके। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पत्रकार अपना काम निष्पक्ष रूप से नहीं करवा रहा है, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा है कि जो समाज का आईना है, समाज को दिशा देता है और समाज भी, हम जब कोई समाचार पत्र या समाज अपने टीवी चैनलों के माध्यम से समाचार प्रकाशित करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और जो जनता है, जो लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो उसका अनुसरण करते हैं, उस बात को मानते हैं वो कि हमने किस तरीके से जनता के बीच अपनी बात रखी है, जो नेता है किस तरीके से उनकी बात रखी है समस्याओं को लेकर, साथ ही जो है जो शहर की विभिन्न समस्याएं होती है हम अपने माध्यम से लगातार उठाते रहते हैं और इसके बावजूद भी पत्रकार के पास कोई ऐसा संसाधन नहीं होता है कि वो किसी तरीके से अपना घर का भरण पोषण करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो कैंप लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे आने वाले जो हमारे जो जनप्रतिनिधि उनको भी सबक लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं मान सकता मैं इस चीज़ को, क्योंकि पत्रकार